बैकग्राउंड में जो आपको ये कलर पैटर्न चलते हुए दिख रहे हैं ना, जो लाइट के पैटर्न और शेप नजर आ रही है, उसको मैंने बनाया है इस ऑप्टिकल स्नूट को यूज करके। ये ऑप्टिकल स्नूट आता है डिजिटेक की तरफ से, और जनरली ऑप्टिकल स्नूट ना बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप यू नो अपर्चर का परचेज करने जाओगे तो 20-25 हज़ार से नीचे नहीं मिलता। डिजिटेक ने आप सब लोगों की सुन लिया है, जिन लोगों को भी ऑप्टिकल स्नूट अपने वीडियोग्राफी के लिए चाहिए था, तो उसको काफी अफोर्डेबल प्राइस में लॉन्च कर दिया। यह DS220, ये एक नया ऑप्टिकल स्नूट है डिजिटेक की तरफ से आने वाला। मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ वो पुराना वाला है, जो लगभग 12 से 13 हज़ार का आता था, बट इसे कंपनी ने केवल 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 7,500 रुपए की प्राइस में लॉन्च किया है। 7,500 रुपए में ऑप्टिकल स्नूट, यस ऑप्टिकल स्नूट, वो भी 20 स्टेनलेस स्टील गोबोस के साथ में और 4 CTO जेल के साथ में। कमाल की बात है, आज से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 7,500 रुपए की रेंज में एक ऑप्टिकल स्नूट को यूज कर लूंगा। डिजिटेक ने कर दिखाया बाय द वे, और ये इस तरीके से कुछ बॉक्स में आता है। आप इसे ओपन करेंगे, इस तरीके से ओपन करेंगे। गोडॉक्स वोडॉक्स के भी बड़े महंगे आते थे पहले यार, मतलब मैंने तो आई थिंक एक ऑप्टिकल स्नूट 20,000 का भी लिया हुआ है, एक 25,000 का भी लिया हुआ है, सेम सॉर्ट ऑफ क्वालिटी का। तो इस टाइप का येलो बॉक्स देखने को मिलता है, इसमें ऐसा ये ऑप्टिकल स्नूट मिल जाता है, ठीक है। काफ़ी प्लास्टिक है, आधा प्लास्टिक है आधा मेटल सॉर्ट ऑफ बिल्ड का बना हुआ है। ऑप्टिकल स्नूट में ना आगे की तरफ एक लेंस लगाता है, जैसे हमारे कैमरे में लगा होता है ना लेंस, और ये लेंस क्या करता है, प्रोजेक्शन देता है आपके बेसिकली लाइट को यूज़ करके, और उसे प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करता है। और साथ में ज़्यादा कुछ नहीं आता हमारे पास में। इसके साथ साथ हम बॉक्स में हमें ये CTO फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, और इसके गोबोस देखने को मिलते हैं, और गोबोस को होल्ड करने के लिए ना हमें ये होल्डर्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें 20 से ज़्यादा जो है वो गोबोस आते हैं। आप लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैंने अपर्चर का ऑप्टिकल स्नूट परचेज किया था, और उसके गोबोस ही मैंने 7,000 से 8,000 रुपए के 20 अलग से बनवाए थे और यूज़ करना स्टार्ट किया था अपनी लाइट में। यहाँ पे कंपनी आपको 20 गोबोस साथ में दे रही है, एक ये लेंस दे रही है। अभी तो हाल फिलहाल इसके और ऑप्शंस नहीं दिए हैं डिजिटेक ने, बट फ्यूचर में आई एम गेसिंग कि इस लेंस को भी निकाल के आप दूसरा अटैचमेंट लगा पाओगे। लेंस क्या होता है, लेंस का एक प्रोजेक्शन का एंगल ऑफ व्यू होता है, तो अगर आपको पास में वाइड एंगल ऑफ व्यू चाहिए तो आप जो है वो वाइड एंगल लेंसेज पे आप अटैच कर पाओगे, और आपको दूर वाला प्रोजेक्शन चाहिए तो आप इसमें टेलीफोटो लेंसेज जैसे 50 और 60 mm की फोकल लेंथ यूज कर पाओगे। इस बेसिकली प्रोजेक्टर माउंट की खासियत यह है कि इसमें जो है वो कटर्स भी मिल जाते हैं। तो ये कटर्स आप देख रहे हैं, ये जो फिन्स बाहर निकल रहे हैं ये बेसिकली कटर्स हैं, तो आपको अलग से कोई कटर वाली शीट डालने की नीड नहीं है। यहाँ पे आपको कटर्स मिल जाते हैं, जिसको यूज करके ना जो प्रोजेक्शन आ रही है ना लाइट की, उसको आप प्रॉपरली शार्प एजेस में कट कर पाओगे। और अगर आपको फिर इस तरीके के पैटर्न्स यूज करने हैं तो आपको यहाँ पे 20 से ज्यादा जो है वो अलग अलग गोबोस मिल जाते हैं, जैसे कि विंडो वाला पैटर्न है, ये ट्री वाला पैटर्न है, ऐसे पैटर्न आप आराम से इसके अंदर डाल के लगा सकते हो। इसके साथ साथ में यहाँ पे आपको एक CTO फिल्म मिल जाती है, और CTO फिल्म को अटैच करने के लिए यहाँ पे इसका एक अडाप्टर भी मिलता है, तो आप आगे इस तरीके से स्लाइड करके इन फिल्म को यूज कर सकते हो, और ये फिल्म ऐसे होल्डर में चली जाएंगी और इस तरीके से आगे ऐसे कनेक्ट हो जाएंगी। तो आप इस तरीके से CTO फिल्टर्स को कनेक्ट करके और अपने कलर शिफ्ट भी कर सकोगे, अगर आपको बैकग्राउंड में डिफरेंट डिफरेंट कलर शेप ऑफ लाइट चाहिए। जब आप एक ऑप्टिकल स्नूट लेते हो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी प्रोजेक्शन क्वालिटी, और इसकी प्रोजेक्शन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शार्प लगी मुझे। और 100 और 200 वॉट की लाइट पे और इवन 300 वॉट की लाइट पे भी आप इसे विदाउट एनी प्रॉब्लम यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ जो नोट करने वाली है कि 300 वॉट से ऊपर की लाइट पे इसे मत यूज़ करना, क्योंकि ऑप्टिकल स्नूट क्या है गर्म होने लगते हैं, क्योंकि इसमें प्रोजेक्शन चलती है प्रॉपर, लाइट हीट होती है, वो हीट यहाँ पे आने लगती है, तो चीज़ें मेल्ट हो सकती हैं अगर आप उससे ऊपर की पावर कैपेसिटी के ऊपर इसे यूज़ करते हैं। तो ये 300 वॉट तक के लिए एक रिलेवेंट प्रोडक्ट है, उससे ऊपर की पावर वाली लाइट के लिए आपको दूसरे ऑप्टिकल स्नूट पे जाना पड़ेगा, ये ऑप्टिकल स्नूट उस पावर पे नहीं काम करेगा। अगर आप क्रिएटिव वीडियोग्राफी करना चाहते हो तो अब आपके हाथ फ्री हैं, क्योंकि आपको सस्ते में ऐसा ऑप्टिकल स्नूट मिल जाएगा और आप आसानी से अपनी क्रिएटिव फिल्म मेकिंग एंड वीडियोग्राफी कर पाओगे। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया, इतना अफोर्डेबल प्रोडक्ट है ये, तो आप डेफिनेटली इसे जाके चेकआउट करना। तो ओवरऑल इस बजट के अंदर मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कोई ऑप्टिकल स्नूट मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसी कोई एक्सेसरी अपनी फिल्म मेकिंग के अंदर एड ऑन के तौर पे लेना चाहते हो तो ये ऑप्टिकल स्नूट एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।